टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों। मुमरा के सम्राट नगर में सोनू नाम के लड़के के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की और उससे पैसे और मोबाइल छीन लिए। सोनू ने बताया कि वो रास्ते से जा रहा था, तभी कुछ लोग उसके पास आए और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिए। यहां तक कि सोनू के नाक, मुंह और कान में काफ़ी चोटें लगी हैं और उससे नकदी और मोबाइल भी छीन लिया है। हालांकि मुमरा पुलिस में सोनू ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ भी लिया है। वहीं मुंबई के मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर 23 मई की रात में एक होमगार्ड ने अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे की जान बचाई है। एक महिला अपने 5 बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ी थी, मगर तभी एक बच्चा ट्रेन से नीचे गिर गया। वैसे ही होमगार्ड बाबू शेख ने बच्चे को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो गैप है उसमें जाने से बचा लिया। होमगार्ड की चारों तरफ बहादुरी की तारीफ हो रही। वही मुमरा में शिवसेना पार्टी अब आने वाले चुनाव को लेकर अपनी कमर तेजी से कस रही है। कल शिवसेना पार्टी ने मुमरा में करीब 15 लोगों को पद वितरित किया है। ठाणे जिला प्रमुख गोपाल लांडगे के हाथों ये पद वितरित किया गया है। वहीं कुछ लोगों को कलवा मुमरा की जिम्मेदारी दी गई है तो वहीं महिलाओं को भी कुछ अहम जिम्मेदारियां भी दी गई है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर शिवसेना अब पार्टी को मजबूत कर रही है। नए आईटी नियम के मामले में व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है, जिसमें आज से लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांग की गई है। मैसेंजर ऐप ने कहा है कि नए नियमों के अनुसार यूजर्स का प्राइवेसी टू राइट्स कमज़ोर पड़ सकता है। तावते तूफान के बाद बंगाल खाड़ी से चक्रवाती तूफान यास ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। तूफान ने एक भीषण चक्रवात का रूप ले लिया है। हालांकि रफ्तार हवाओं की करीब 160 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यास तूफान की ये तस्वीरें हैं। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की लगभग 115 टीमों को तैनात किया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।